आप देख रहे हैं sabkihindi.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में अंतरिम जमानत पर बाहर आए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत कल शनिवार 1 जून को खत्म हो रही है, जिसके बाद रविवार 2 जून को उन्हें वापस सरेंडर करना है। ऐसे में सरेंडर करने से पहले अरविंद केजरीवाल ने आज शुक्रवार को एक वीडियो संदेश जारी किया है। इस वीडियो में उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मुझे चुनाव प्रचार करने के लिए 21 दिन की मोहलत दी थी, जो कि खत्म हो गई है। परसों मैं वापस तिहाड़ जेल चला जाऊंगा। देश को तानाशाही से बचाने के लिए जेल जा रहा हूं, इस बात का मुझे फख्र है। इन्होंने मुझे कई तरह से तोड़ने, झुकाने और चुप करने की कोशिश की, लेकिन ये लोग सफल नहीं हुए। इन्होंने मेरी दवाइयाँ रोक दी। जेल में इन्होंने कई दिन मेरे इंसुलिन के इंजेक्शन बंद कर दिए। मैं जेल में 50 दिन था। इन 50 दिनों में मेरा 6 किलो वजन कम हो गया। डॉक्टर कह रहे हैं कि ये शरीर में किसी बड़ी बीमारी का भी संकेत हो सकता है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा कि आप अपना ख्याल रखना, आप खुश रहेंगे तो आपका केजरीवाल भी खुश रहेगा। मैं चाहे जहां रहूं, दिल्ली के काम नहीं रुकने दूंगा। लौटकर मैं हर माँ और बहन को हर महीने 1000 रुपये देने की भी शुरुआत करूंगा। आज मैं अपने परिवार के लिए आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। मेरे पीछे से मेरे माता पिता का ख्याल रखना। हम सब मिलकर तानाशाही से लड़ रहे हैं देश को बचाने के लिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो गम मत करना, भगवान ने चाहा तो आपका ये बेटा बहुत जल्द वापस आएगा। अरविंद केजरीवाल के वीडियो संदेश पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने पलटवार किया है। बीजेपी नेता ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि उन्हें बहुत गंभीर बीमारी है और मैं इस बात से सहमत हूं। उन्हें बहुत गंभीर बीमारी है, वो है झूठ बोलने की बीमारी, जिससे वो बाज नहीं आ रहे। सचदेवा ने कहा कि उनको पता था उन्हें जाना है, लेकिन जानबूझकर अपने बुजुर्ग माँ बाप का नाम लेकर सहानुभूति लेने की कोशिश करना अपनी चोरी और अपने भ्रष्टाचार को छुपाना है। कर्नाटक के सेक्स स्कैंडल मामले में आज शुक्रवार तड़के गिरफ्तार हुए प्रज्वल रेवन्ना ने कोर्ट से मीडिया ट्रायल पर रोक लगाने की मांग की है। बता दें कि आज सुबह मेडिकल के बाद रेवन्ना को कोर्ट में पेश किया गया था। बेंगलुरु में सीआईडी मुख्यालय पर मौजूद सांसद के वकील अरुण जी ने बताया कि प्रज्वल रेवन्ना ने कहा है कि वो सहयोग करेंगे, लेकिन मीडिया ट्रायल नहीं चाहते हैं। वकील ने कहा कि प्रज्वल जांच में सहयोग करने के लिए आगे आए हैं। मीडिया से उनकी अपील है कि मीडिया ट्रायल ना हो। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एनडीटीवी से बातचीत के दौरान इंडिया एयरलाइंस के प्रधानमंत्री चेहरे को लेकर अपनी पसंद बताई है। उन्होंने कहा कि अगर इंडिया ब्लॉक इस आम चुनाव में भाजपा को हरा देता है तो राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी के उत्तराधिकारी होंगे। खड़गे ने कहा कि राहुल गांधी, जिन्होंने चुनाव से पहले दो भारत जोड़ो यात्रा का नेतृत्व किया और इस दौरान बड़े पैमाने पर प्रचार किया, अक्सर सहयोगियों के साथ मंच स्थान साझा किया और प्रधानमंत्री मोदी पर सीधे हमले किए, वह शीर्ष पद के लिए एक लोकप्रिय विकल्प होंगे। कांग्रेस प्रमुख ने एनडीटीवी से कहा कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने के लिए मेरी पसंद हैं, वे मेरी पसंद हैं और वे युवाओं और पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। राहुल गांधी को कई लोग शीर्ष पद के लिए एक यथार्थवादी, सर्वसम्मति वाले उम्मीदवार के रूप में देखते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एबीपी न्यूज को दिए इंटरव्यू में भी एक बार फिर दोहराया कि इस बार इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रहा है। लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की परफॉर्मेंस को लेकर बात करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि हम इस बार सरकार बनाने जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन को 275 से ज्यादा सीटें मिलेंगी। इस बार हमें हर तरफ से अच्छी रिपोर्ट मिली है। इस दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार बनाने के लिए किन पार्टियों का समर्थन लेंगे, इस पर भी जवाब दिया। दरअसल उनसे जब नवीन पटनायक, ओवैसी और मायावती जैसे नेताओं से समर्थन लेने पर सवाल किया गया तो इस पर उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद जो भी समर्थन करेगा उस पर गठबंधन के सहयोगियों से बात करके निर्णय करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष ने आगे प्रधानमंत्री मोदी की 45 घंटे की साधना को लेकर भी उन पर निशाना साधा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ये तप एक दिखावा है, अगर उन्हें तप ही करना था तो वो अपने घर में भी बैठकर कर सकते थे। 10,000 पुलिस लेकर आप कोई तप नहीं कर सकते, आप तप करने के लिए टीवी को लेकर नहीं जाते। खड़गे ने कहा कि वो सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, अगर उन्हें किसी चीज़ का पश्चाताप करना है तो वो घर भी तप करके कर सकते हैं। दिल्ली के जल मंत्री आतिशी ने दिल्ली जल संकट के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत को पत्र लिखा है।
आतिशी ने पत्र में लिखा कि मैं आपसे अनुरोध करने के लिए लिख रही हूँ कि आप सुनिश्चित करें कि दिल्ली के लिए पानी का कुछ प्रावधान किया जाए, चाहे वह हरियाणा से हो या यूपी से या किसी अन्य राज्य से जो पानी देने में सक्षम हो, ताकि दिल्ली के लोगों को परेशानी ना हो। हम इस मुद्दे में आपके तत्काल हस्तक्षेप का अनुरोध करते हैं। आतिशी ने कहा कि यह ज़रूरी है कि हरियाणा राज्य तुरंत दिल्ली के हिस्से का पानी यमुना नदी में छोड़े, ताकि पानी का स्तर 674.5 फीट के सामान्य स्तर पर आ जाए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने हालिया बयान में तंज कसते हुए कहा है कि ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक 4 जून के बाद पूर्व मुख्यमंत्री बन जाएंगे। अमित शाह ने विश्वास जताया कि भाजपा 147 सदस्यीय विधानसभा में 75 से अधिक सीट हासिल कर राज्य में अगली सरकार बनाएगी, और साथ ही उन्होंने यह भी दावा किया कि बीजेपी ओडिशा की 21 लोकसभा सीट में से 17 सीट पर जीत हासिल करेगी। अमित शाह ने यह भी कहा कि भाजपा यह सुनिश्चित करेगी कि अगला मुख्यमंत्री उड़िया भाषा में पारंगत हो और राज्य की भाषा, संस्कृति तथा परंपरा को समझता हो। सामने आ रही ताज़ा जानकारी के मुताबिक हासन से सांसद प्रज्वल रेवन्ना को आज शुक्रवार तड़के बेंगलुरु के कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचते ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कर्नाटक पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को इंटरपोल से प्रज्वल रेवन्ना के भारत आने की जानकारी मिली थी। इसके बाद SIT, बेंगलुरु पुलिस और इमिग्रेशन अधिकारी शुक्रवार तड़के एयरपोर्ट पर पहुंचे और रेवन्ना को लैंड होते ही गिरफ्तार कर लिया। SIT प्रज्वल रेवन्ना को लेकर बेंगलुरु में CID कार्यालय पहुंची है। रेवन्ना को यहां मेडिकल टेस्ट के लिए ले जाया जाएगा, जिसके बाद आज ही रिमांड के लिए रेवन्ना को अदालत में भी पेश किया जा सकता है। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने प्रज्वल रेवन्ना की गिरफ्तारी पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए कहा कि प्रज्वल रेवन्ना कल रात 12:50 पर जर्मनी से आए हैं, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। अधिकारी वही करेंगे जो कानूनी तौर पर करना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि मैं कल शिमोगा से आया हूं, मैंने अभी तक अधिकारियों से बात नहीं की है, उन्हें जो करना है वो कानून के मुताबिक करेंगे। हमने पहले भी कहा है कि पीड़ितों को SIT के सामने आना चाहिए और अपनी समस्याएं बतानी चाहिए। दिल्ली में गर्मी का सितम जारी है और इस कारण जल संकट बढ़ता जा रहा है। इस बीच दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने आज शुक्रवार 31 मई को सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। केजरीवाल सरकार ने अपनी याचिका में मांग की है कि जल संकट को देखते हुए हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और UP से 1 महीने के लिए अतिरिक्त पानी मिले। दिल्ली सरकार ने ये याचिका ऐसे समय पर दायर की है जब जल संसाधन मंत्री आतिशी ने हाल ही में BJP शासित राज्य हरियाणा पर दिल्ली के हिस्से का यमुना जल रोकने का आरोप लगाया था। बता दें कि आतिशी ने हरियाणा पर 1 मई से दिल्ली के हिस्से का पानी नहीं देने का आरोप लगाते हुए कहा था कि आने वाले दिनों में यमुना के पानी की आपूर्ति में सुधार नहीं हुआ तो दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकती है। दिल्ली जल संकट को लेकर भाजपा भी आम आदमी पार्टी सरकार पर लगातार हमलावर है। इसी कड़ी में दिल्ली BJP अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आज विधानसभा स्थल शहीदी पार्क से लेकर दिल्ली सचिवालय तक केजरीवाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन मार्च निकाला। इस दौरान सचदेवा ने कहा कि दिल्ली का जल संकट अरविंद केजरीवाल के कुप्रबंधन का नतीजा है। उन्होंने आतिशी के आरोपों पर भी पलटवार करते हुए कहा कि मैं आंकड़ों के साथ साबित कर सकता हूं कि दिल्ली को 1049 क्यूसेक पानी हरियाणा दे रहा है और लगातार दे रहा है। इनका 53% पानी बर्बाद इसलिए होता है क्योंकि ये रखरखाव नहीं कर सकते। दिल्ली में जो 2000 का जुर्माना लगा रहे हैं, ये भ्रष्टाचार का एक और कारण बना रहे हैं। टैंकर माफिया को बढ़ावा दे रहे हैं, फर्जी टैंकर चढ़ाए जाएंगे और उसके पैसे खाए जाएंगे। BJP नेता ने कहा कि दिल्ली में पानी का नहीं, कुप्रबंधन का संकट है। PM मोदी की साधना को लेकर जहां एक तरफ विपक्ष उन पर लगातार निशाना साध रहा है, तो वहीं BJP नेता उनके इस कार्यक्रम का समर्थन कर रहे हैं। इसी कड़ी में BJP नेता सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत लंबा चुनाव अभियान किया है और हर बार चुनाव अभियान करने के बाद वे अध्यात्म और ध्यान से जुड़ते हैं, जिस पर विपक्ष के लोगों को बवाल मचाने की ज़रूरत नहीं है। BJP नेता ने कहा कि क्या प्रधानमंत्री हर काम इनसे पूछ कर करेंगे, ये हैरानी की बात है। विपक्ष को अपनी कमियां ढूंढनी चाहिए, वे क्यों हार रहे हैं और PM मोदी क्यों 400 पार जा रहे हैं, इस पर विचार विमर्श करना चाहिए।
सीपीआईएम नेता डी राजा ने भी प्रधानमंत्री मोदी की साधना पर टिप्पणी करते हुए कहा कि किसी व्यक्ति द्वारा ध्यान करना उसका निजी मामला है, लेकिन प्रधानमंत्री द्वारा किया गया यह ध्यान एक सार्वजनिक कार्यक्रम बन गया है। उन्होंने कहा कि यह साइलेंस पीरियड है, चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है और कल मतदान होना है। अभी के लिए बस इतना ही, बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।